रहस्यमयी मंदिर जहां आज भी लोग बन जाते हैं पत्थर के। आप सभी ने भूत प्रेतों के किस्से तो बहुत सुने होंगे। हम सब यही जानते हैं कि भूत प्रेत की कहानी बहुत समय से चली आ रही है। इनके पीछे क्या राज है वो भी अभी तक कोई नहीं जान सका है। फिर भी इनसे जुड़े हुए राज आज भी हमारे सामने खड़े हुए हैं। दुनिया आज भी अजब गजब जानकारी से भरी पड़ी है। ऐसे ही एक कहानी राजस्थान के किराड़ू शहर से जुड़ी हुई है जो कि बहुत ही रहस्यमयी है। राजस्थान के किराड़ू शहर में एक मंदिर है जिनके बारे में ये जाना जाता है कि जो भी इस मंदिर में रात के समय रुकता है वो पत्थर का बन जाता है। इसके पीछे भी एक कहानी जुड़ी हुई है जो कि बहुत साल पहले की है। बहुत साल पहले यहाँ पर एक साधु आए थे जो कि अपने शिष्य को भी अपने साथ लेकर यहाँ पर आए हुए थे। जब साधु देश का भ्रमण करने के लिए अपने साथियों को वहाँ पर छोड़कर चले गए, साधु जी के जाने के बाद उनके शिष्य अचानक बीमार पड़ गए और वहाँ के लोगों ने उन शिष्य की बिल्कुल भी मदद नहीं की। जब साधु महाराज वापस आए तो देखा कि वहाँ के लोगों ने मेरे शिष्य की किसी ने भी सेवा नहीं की। सिर्फ एक कुम्हारिन थी जिसने उनके शिष्यों की सेवा की थी। इस बात को देखकर साधु महाराज जी ने कहा कि मैं इस पूरे गांव को श्राप देता हूँ, जो भी यहाँ पर शाम होते ही ठहरता है वो पत्थर बन जाएगा। ऐसा श्राप देकर साधु महाराज ने कुम्हारिन को कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, अगर यहाँ पर ठहर गई तो तुम्हारी भी यही दशा होगी। जाते वक्त इस बात का ध्यान रखना कि जब भी जाओ पीछे मुड़कर बिल्कुल भी मत देखना। पर जब कुम्हारिन जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर देख लिया और वो भी पत्थर की बन गई। आज भी ये मंदिर ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ है क्योंकि किसी का भी इतना साहस नहीं कि जो इसमें जाकर शोधकर्ता भी अपना शोध कर पाएँ। ये मंदिर दिन में जितना भयानक दिखता है उतना ही रात में भी हो जाता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी व्यक्ति इसके आसपास बिल्कुल भी नहीं भटकता। क्या पता ये सच है या सिर्फ एक अफवाह है। आज भी सभी के मन में ये डर बना हुआ है। ये धरती ना जाने कितने रहस्यों से भरी पड़ी है जो आज भी हमारे सामने एक सवाल के रूप में खड़ी हुई है, जिनको पूरी तरह से समझना लगभग नामुमकिन है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।